क्यों चलती है बट सच में ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया के एकदम बॉर्डर पे आ गए राइट। ये झूठ नहीं बोल रहे। पहुंच गए हैं एंड आफ्टर 12 आवर्स जर्नी वी हैव मेड इट हियर। लाइक ओ माय गॉड, सच में ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया के एकदम बॉर्डर पे आ गए। लिटरली वी आर इन द बॉर्डर। राइट, ये झूठ नहीं बोल रहे। मैं सच ही बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हमारी शक्लें बता रही है कि वी आर सुपर टायर्ड बट वी आर नॉट टायर्ड दैट। अब ये एनर्जी 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 वापस आ गई है। एनर्जी इज बैक एंड पीछे आप सुन सकते हो काफी ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे हैं। तो यहाँ वी आर गोइंग एंड लेट्स गो। This is my room. 12 hours की जर्नी के बाद when you enter to your room, oof, थोड़ी सी सांस ले लो फिर दिखाती हूँ। Wait. Eventually, the next day. A very good morning, everybody. Oh my God, it's a wonderful morning here. Like मैं ना literally उठी हूँ इस बांसुरी की आवाज़ सुन के। आई डोंट नो आप सुन पा रहे हो या नहीं बट बाहर म्यूज़िक चल रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेलोडियस। ऑब्वियसली टेंट सिटी में है हम एंड दिस इज़ माय रूम। आई विल शो यू इन अ बिट। मैं जल्दी से रेडी होने वाली हूँ। मेरे हाथ में ब्रश है, अभी फटाफट से ब्रश करके शार लेके आई विल गेट रेडी। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग और हमें 8 बजे तक रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। सो आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड देन विल सी यू गाइस इन अ different avatar. Ta-da! I have what a sunlight coming in my room. Okay, but मैं इसको बिल्कुल भी enjoy नहीं कर सकती because I have just fixed timing to get ready और मुझे फटाफट से ready होना है. And I just quickly wanted to show you guys about a few products which I've been trying since थोड़ा time हो गया है. तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ फटाफट से बता देना चाहिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ share करते रहती हूँ. So as I am in run और ठंड थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर भी, overall आपके skin को जो है थोड़ा सा ड्राई कर देती है बिकॉज सॉल्ट डेजर्ट है, व्हाइट डेजर्ट है, दैट्स व्हाई आपको डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दैट। या मुझे लगा था इस चीज को मुझे यहाँ पर लेकर जाना चाहिए एंड दैट्स व्हाट आई कैरीड। लाइक आई एम कैरिंग माय टू लिप बाम्स फ्रॉम मामाअर्थ, द ब्रांड विच आई लव द मोस्ट। वन इज चेरी टिंटेड एंड वन इज कोको टिंटेड लिप बाम्स। दिस कोको टिंटेड लिप बाम इज लिटरली माई फेवरेट बिकॉज लगाते ही जैसे ही मैं एक स्ट्रोक लगाऊंगी आपने देख लिया कि कितने जल्दी से इंस्टेंटली इट चेंजेस माई ये लिप का शेड एकदम से चेंज हो गया है। तो सिर्फ इतना सा तो रीजन नहीं है, आई यूज मामाअर्थ बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। सो वन ऑफ दैम इज कि जो है ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, पैराबन फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। उनके मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कैस्टर ऑयल जो कि ऑब्वियसली आपके लिप्स को जो है मॉइस्चराइज रखता है और इसकी क्वालिटी है कि 12 आवर्स तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है। और कोकोनट ऑयल भी है इसमें, ऐसे रूखे रूखे से ना लगे, थोड़े ऐसे ड्राई ना लगे। बट देयर्स वन मोर प्रोडक्ट विच आई एम लाइकिंग अ लॉट दीज डेज विच इज काजल। बट वेन मामाअर्थ इंट्रोड्यूसेस दिस चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल, आई वाज लाइक ओके लेट मी गेट माई हैंड्स इन दिस। और मैं आपको लिटरली एक स्ट्रोक में लगा के दिखाती हूँ। दिस इज मामाअर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इस पर ट्रस्ट किया बिकॉज इट्स नेचुरल। इसमें वाइटामिन सी है और कैमोमाइल है जो कि आपके आईज के लिए लिटरली बहुत अच्छा है। ऑल्सो मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, ये मेड सेफ होते हैं और ये काजल जो है वो 11 घंटे तक आपकी आईज में रहता है, स्मच फ्री है, विच ऑल वी वॉन्टेड फॉर द परफेक्ट काजल। एंड आप देख सकते हैं मेरी आईज में लाइक एक स्ट्रोक लगाती
कितना सुंदर लग रहा है. लाइक इज दिस वन आ जाएगा. ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन यूज माई कोड विच इज राइट हियर एंड गेट 20% डिस्काउंट. यप, तो आप इसकी जो शॉपिंग है मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, पर्पल और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नायका पे, यहां से परचेज कर सकते हैं. ऑल्सो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे 20% का. Also, Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discounts. Also, Mamaearth is planning 2025 tak 1 million trees plant karne ka, which is amazing, commendable. So every time you place an order from Mamaearth, they'll link your order with a tree and you can track also that tree. That's amazing. And as I said, it's a plastic positive brand. So main is tarike ki cheezon ko bahut zyada support karti hu personally. That's great. Yep. Now let's get ready fatafat se because the people are waiting for me outside. Main 15 minute bol kar aayi thi. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. And welcome to रण. हम आ गए हैं, आई मीन मैं आ गई हूँ रण में. यस, कच्छ जो कि हमारी धरती, हमारी भूमि है. आई एम गुजराती, मैनी ऑफ यू गाइज डोंट नो. एंड दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग. दिस इज टेंथ सिटी, रण ऑफ कच्छ, एंड दिस इज माई रूम. लेट मी टेक यू इन साइड माई रूम. लाइक यू हैव सिटिंग एरिया हियर हियर एंड देन वेन यू एंटर वो हो. सो वी स्लेप्ट लास्ट नाइट हियर. ओ माय गॉड, इट्स सुपर कम्फी, सुपर कोजी. एंड या हम काफ़ी देर तक जग रहे थे, 1:30 बजे तो हम सोए हैं. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बेड एंड यू नेम इट एंड यू फाइंड एवरीथिंग हियर. एंड देयर इज़ अ वॉशरूम. यू मस्ट बी थिंकिंग दैट थोड़ा छोटा होगा, बट इट्स ह्यूज. इट इज़ ह्यूज. यप. तो या दिस इज़ माई रूम इन टेंथ सिटी. दिस इज़ ब्यूटिफुल एंट्रेंस. Oh my god, after so long I'm having like ghar ka khana types thing. So there's thepla, there's phafda, dhokla and khakra. Some mirch, because obviously you can't have khakra without green chili. And curry. So yep, we are going to have breakfast. निकल रहे हैं अभी काला डूंगर के लिए, और जो कि भुज में है. एंड आपको पूरी टेंट सिटी का टूर जो है मैं आने के बाद दूंगी आराम से, बिकॉज राइट नाउ वी आर गेटिंग लेट. अभी हम बस निकलने वाले, सारे हमारी टीम पीछे वेट कर रही है. एंड एवरीबॉडी इज लाइक जल्दी चलो जल्दी चलो. तो सॉरी नहीं, देखिए सुन लीजिए, मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन अगर नहीं आते. लेट्स गो. आप देख रहे हैं माहौल काफी गंभीर हो गया है, सब लेट हो रहे हैं. सो गाइस लेट्स गो. कुछ समझ आया? और मुझे अभी डांट पड़ी है वैसे तो. हाँ, बेचारे को डांट पड़ी. काफी लेट हो गए. मैं तुझे इसलिए कह रही थी ना कि तुम एक काम करता हूँ, साथ में पहले रेडी होकर फिर ब्रेकफास्ट करते. हाँ, मैंने बोला वही. ये 22 वर्ष वाला सीन ना, तुम जो चले गए ना ब्रेकफास्ट, और तुम आराम से जो बैठे होगे ना ब्रेकफास्ट के लिए, वो तुम्हें महंगा पड़ा है अभी. ब्रेकफास्ट इतना लेविश हो गया ना तुम्हारा कि तुम्हारा रेडी होना फीका पड़ गया. हम रेडी आराम से हुए. पहले तो ये फिगर आउट कर रहे थे कि पहने क्या.
1000 years later. Hello everyone. Hello. 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 Good morning. Good morning. कच्छ की बहकती हुई ठंडी और कछुए की नगरी कच्छ में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है संदीप, एज ए टूर गाइड रण उत्सव द टेंट सिटी की ओर से, जो काला डूंगर है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। आप सब लोग आए कच्छ में पधारे और हमारे मेहमान हुए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद शुक्रिया। यहाँ पे इस एरिए को पच्छम बोलते हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं काला डूंगर की ओर। धन्यवाद। ये बहन, हेलो एवरीबॉडी। सो अभी राइट नाउ वी आर एंड यहाँ पर यहाँ से लेके जहाँ तक बस है, अच्छा ये साइन बोर्ड है, एक और साइन बोर्ड, इसके बीच में ये एरिया है क्योंकि ये सेफ एरिया है, इसके लिए यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे तीन है अलग अलग। ओके ओके, थोड़ा तो जैसे कि लद्दाख में है मैग्नेटिक फील, वैसे मैग्नेटिक हिल तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि ओके 1500 फीट और 458 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल पे। काला डूंगर जो है दूर से सूर्यास्त का परछाया सन का, और दूर से जो है काला डूंगर दिखता था, इसके लिए कच्छ के लोगों ने नाम रखा ये काला डूंगर, और दूर से जो है ये एक इन लोग का सेंटर पॉइंट हो गया था। एक आपको इंडिया ब्रिज देखने को मिलेगा। 65 और 71 में जो वॉर हुआ था, और जो बड़ा वॉर था वो 71 का था, पाकिस्तान की आर्मी जो यहाँ तक आ गई थी, भुज में पूरा एयरफोर्स का जो एरिया है वो पूरा ब्लास्ट कर दिया था, और माधापर की 250 महिलाओं ने उनको हेल्प करके उसी टाइम एट ए टाइम पटेल कम्युनिटी की महिलाओं ने हेल्प करके पूरा रनवे बना के दिया था। वो इंडिया ब्रिज मजबूरी में इंडियन आर्मी को ब्लास्ट करना पड़ा, और उसके बाद फिर एक नया बिल्ड किया है इंडिया ब्रिज, वहां से 80 किलोमीटर की दूरी पे है विगाकोट। बढ़िया सा दोहा, हमारे टूरिस्ट कच्छ में आए हैं तो कच्छ के मेहमान है, एक अच्छा सा कभी का दोहा हो गया। ब्यूटिफुल स्पॉट, बट दिस टाइम वी आर इन हरी एंड ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं, सबको मैनेज करना, तो लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी आर गोइंग, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई। बट यस, वी सीन दिस, बट मुझे मन था यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं ना साहिल, कितना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे, क्यों मचलता है ये मन, ना तुम जानो ना हम। लेट्स गो, ये हमारी बकवास यूं चलते रहेगी। पीछे जो वो गांव दिख रहा है वो इंडिया का लास्ट का, वो भी देख लो, आता है तो कैमरे में, उसमें अभी वाले में लेंस भी तो नहीं आएगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांधीनू गांव, लुडियो विलेज। 2001 में जब भूकंप आया उससे पहले यहाँ पे जो लोग रहते हैं मेघवाल कम्युनिटी के लोग हैं। संयोग मानव साधना गांधी आश्रम अहमदाबाद इस गांव को एडप्ट लिया, और फैमिली वाइज एक एक घर बना के दिया, उसको भूंगा बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने हिसाब से दूसरे घर बनाए हैं।
वी आर इन गांधीधाम. अंदर आपने देख लिया क्या है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल विलेज वेयर पीपल वर्क एंड लिव. एंड या अभी वापस चल रहे हैं हम अपने टेंट सिटी की तरफ फॉर लंच. एंड देन लंच के बाद कुछ एक्टिविटीज करेंगे इन टेंट सिटी. एंड देन हाइट एंड देन इवनिंग में हम जाएंगे रन. One hour later. When you're ready, na, just call me on WhatsApp. Yeah. We're done with the lunch. Now we are going towards our tent because we have to change our outfit because priorities. Yeah. Priority हमारी ये है कि हम outfit change करेंगे because इस कपड़े पे बहुत सारी pictures हो गई है. हम आ जाएंगे 15-20 मिनट में. PM tent. हाँ. मैं वही हूँ. आप वही आ जाइए. PM tent. One eternity later. Hey everybody. So we got the VIP access to the most like prestigious tent in this tent city, which is PM cluster, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PM ही रुक सकते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. और वो हमें देखने का मौका मिला है. सो दिस इज ऑल बुलेट प्रूफ और ये इतना बड़ा है. मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी गिव यू क्विक टूर. सो दिस इज द एंड दिस इज द फर्स्ट bedroom. There are two bedroom. Another one is master bedroom. I'll show you later. This is the second bedroom. इसमें हमारे जैसे तीन टेंट आ जाएंगे. Yeah. And there's a washroom. Okay. And this is the master bedroom. Oh my god. Actually, we can't sit here. We can't only we get the access. So definitely. हम सिर्फ shoot कर सकते हैं यहाँ पे. Look at this. Look at the ceiling. I mean, what is this, huh? And then there's a huge ass washroom with a amazing wardrobe. Along with that, this huge washroom. And there's a big dressing room. So, yep, this is it. गाइस आप लोगों से चलते फिरते हुए ही बात हो रही है क्योंकि हम बस एक जगह से दूसरे जगह से भाग रहे हैं. जस्ट लाइक वी आर रनिंग. अभी रहने की आवाज आएंगे तो उतरना चढ़ना भी. तो नाउ वी ऑल आर रेडी एंड ऑल सेट टू लीव फॉर रन. यस वाइट डेजर्ट. लाइक हम सारे लोग रेडी है. अभी सनसेट के लिए हम जाएंगे. इट्स 4:30 ऑलरेडी एंड हमें 5 बजे निकलना था. आगे हमको कैमल का छोड़ी थी वहाँ से वॉक करके जाए. बोतल पानी का ले लीजिएगा. यहाँ पे एक्टिविटी की बात करें तो पैरा मोटरिंग है, उसका वन राइड का 3000 है.